आज भाजपा की तहसील फ्लोर की आम मीटिंग भाजपा देहाती के वाइस प्रधान सुदर्शन गोयल की अगुवाई में हुई, जिसमें भाजपा के स्थापना दिवस मनाया गया व लड्डू बांटे गए। इस मौके पर एमपी सिंह गुराया ने पार्टी का संदेश पढ़कर वर्करों को सुनाया। वह कहा कि हम सबको शैलेंज तरीके से अपना काम करना चाहिए व विरोधियों के दुष्प्रचार से बचना चाहिए। इस मौके पर श्यामलाल शर्मा, रूपलाल, विनोद रहेजा, तिलक राज चोपड़ा, मंजीत सिंह, अश्विनी आशु आदि मौजूद थे। फिलौर से राजकुमार नंगल। अब असी भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर स्थापना दिवस जरा मनाया जा रहा और फलौर गुराया और अपरा मंडल के जोड़े साडे सीनियर एमपी है उन्होंने असी कट्ठे करके अज इतने फलौर के पार्टी का स्थापना दिवस क्योंकि 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का गठन होया और उस तो बाद साडे दो मैंबर पार्लीमेंट दिते सी श्री अटल बिहारी वाजपेई साहब और एल के अडवाणी साहब उन्हों तो बाद अज देश के अंदर साड़ी हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की। इस करके अज असी अपने सारे सीनियर कार्यकर्ता उन्होंने असी बेनती की है कि पार्टी हाईकमांड जो भी दिशा निर्देश सानू दे रही है उन्होंने लोग सभा चोणों के असी तैयारी के वास्ते हम तो वचनबद्ध हैं और अपनी तैयारी पूरे असी जोर के नाल तैयारी आरंभ कर दिती है क्योंकि अज योगी सरकार साड़ी उत्तर प्रदेश में बनी है। श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 23,26,000 करोड़ का कर्जा जिहड़ा किसानों का उत्थे माफ किया। उत्थे असीं अज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं वी कहना चाहुंदे हां कि उन्होंने जो अपना मैनीफेस्टो दे विच वादा किया सी कि पंजाब का जिहड़ा किसान सुसाइड कर रहा उहदे असीं कर्जे माफ करांगे ते अज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सरकार आ उन्होंने चाहिए प्रायोरिटी के उत्ते श्री आदित्यनाथ योगी जी के वल देखते हुए उन्होंने कार्यशैली देखते हुए अज उन्होंने चाहिए कि वह पंजाब के किसानों का जिहड़ा कर्जा तुरंत माफ़ कर और इस आस और उम्मीद के नाल असीं अगे वधांगे। जे सरकार कोई धक्केशाही कोई सीनाजोरी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी कदे भी लड़ाई लड़न तो पिछे नहीं हटेगी और लोक सभा चोणों की साड़ी पूरी तैयारी है और डट के अगे असीं चलांगे और अकाली दल बादल और बीजेपी का जिहड़ा संगठन है ये 9 मास का रिश्ता है पक्का संगठन अगे इस तरह लड़ाई लड़ांगे।